नारायण 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 नारायण। अब बोलो फिर क्या सुना हमारे विशेष ये पूछने की आई मन में, दूसरी आई एक शरणागति और कोई मन में नहीं आई। आप पूछ लो याद ना तो बहुत बढ़िया बात, शरणागति वाली आई। अच्छा भगवद गीता का उपदेश भगवान ने कब दिया, जब अर्जुन शरण होकर अपने कल्याण की बात पूछते हैं तब भगवान गीता का उपदेश देते हैं, नहीं तो साथ में रहते सैया सनातन विगत्थन भोजन आदि स्वीकार वयस वितवान प्रलब्ध सख्यो सखे प्रतिवर्तन सर्वम सहे सहे सब सह लिया भगवान ने। तो इतने साथ रहे सही आसना तो सोने में बैठने में भोजन करने में चलने फिरने में साथ रहते थे। तो साथ रहने पर भी जब तक अर्जुन की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तब तक गीता नहीं कही। भूख लगने पर अन्न अच्छा लगता है, प्यास लगने पर जल अच्छा लगता है, इनके बिना जल और अन्न बहुत अच्छी चीज है, प्राणों का आधार है, परंतु उतना प्रिय नहीं लगता। ऐसे जब तक ये असली भीतर से जिज्ञासा जागृत न हो जाए तब तक बातें उतना काम नहीं करती, ये निरर्थक नहीं जाती। जैसे अन्न जल तो वो निरर्थक जो है विशेष काम नहीं आता, तो ये तो काम आती है, परंतु जिज्ञासा जितनी जोरदार होगी जितनी मुमुक्षा होगी उतनी ही ये बातें बहुत काम करेगी। अर्जुन ने तीन बार कहा है यस्ते यस्याम निश्चितं पुरोहितान्वि, निश्चित जिससे कल्याण हो वो कही तदेकं बस निश्चित ये नियम अपने आप जिससे मेरे कल्याण हो वो निश्चित बात कही है। से एक और एकम तन में ब्रूहित निश्चित जो दोनों में एक कल्याणकारक है। तो तीन बार निश्चित कल्याण की बात पूछी है। आरंभ में यसे निश्चितम ब्रूहित ने बात पूछी, तो पूछिए क्यों यसे साथ में श्रेय कल्याण हो जाए वो बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अर्जुन के युद्ध करने की मन में नहीं थी, भगवान ने युद्ध करने की कह दी, तो अर्जुन कहता है युद्ध करना न करना मेरा खास विषय नहीं है, मेरा विषय तो शेष है कल्याण हो जिससे वो बात बताओ। ऐसे कल्याण की बात बताने से भगवान की मुख से भगवद गीता जैसा ग्रंथ निकला, इतने विलक्षण संपत्ति जो कि आज सार्वभौम ग्रंथ है। सनातन धर्म को न मानने वाले भी गीता जी को मानते हैं, और सनातन धर्मियों के तो खास चीज है ही गीता जी। तो वो चीज कब मिली, साधिमान त्वाम प्रपन्नम आपके मैं शरण हूं ये पहले कहा, और बीच बीच में श्रेय की और निश्चित कल्याण की जिसमें बात हो, ऐसे कल्याण की बात निश्चित कल्याण हो, तो दूसरी बातें गौण हो गई, कल्याण की बात मुख्य हो गई। आज हम लोग चर्चा करते हैं सुनते हैं कहते हैं, परंतु अपना कल्याण हो जाए ये जोरदार इच्छा नहीं है, इससे ये बातें पकड़ में नहीं आती। भूख बिना बढ़िया से बढ़िया भोजन भी ना रुचता है ना पचता है, भोजन बहुत बढ़िया है बड़ी अच्छी है भूख नहीं होगी आप, इस तरह की भूख कम है, अभाव नहीं कहता हूं मैं, अगर भूख न होती तो आप लोग इतने इकट्ठे ही नहीं होते, रहते भी नहीं, क्यों खर्चा लगाते, क्यों समय लगाते, क्यों तरह तरह की आफत भोगते। तो है तो सही,
पर मुख्य कल्याण हो जाए ये मुख्य बात नहीं है। मार्गे प्रयातुर मणिला भवन में लभेत मोक्षो यदि धन्य, जैसे चलते चलते मणि मिल जाए तो ले लेंगे, ऐसे संसार काम करते करते मुक्ति हो जाए तो अपने भी कर लेंगे, ये है खुश लेवारी। तो इससे तो भाई जल्दी नहीं होगा, देरी लगेगी। आज मैं बात करता हूँ करने तेरी जिसमें हिचक रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रही है, प्रकार साठ भी कर देते हैं, तो वास्तव में इस बात की भूख नहीं है। भूख होते तो इतनी विलक्षण लगती ये बात। मैंने एक पंक्ति देखी थी उसमें कि इनकी जरूरत नहीं क्योंकि ये कर्ण निरपेक्ष है, इतनी इस बात तो कर्ण निरपेक्ष सोचते ही बात नहीं, यह बात है मार्मिक तो उसको चित खींच गया। बड़ी विचित्र बात लगी, कर्ण से कल्याण होगा, कर्ण से नहीं होगा। कर्ण कर्ण से कार्य बढ़िया होगा, आगे जो काम करोगे क्रिया अच्छी होगी। साधक तमम करणम, जो क्रिया सिद्धि की जाए उतने अत्यंत उपकारक हो उसका नाम कर्ण होता है। जैसे रामेण बाणे न तो बाली, बाण से मारा गया बाली, तो मरने की क्रिया बाण से हुई है। जैसे धनुष है, डोरी है, खेचना है, ये सब करना है, उसमें सब साधन है, नहीं तो कैसे बाण लगता। पर कर्ण संज्ञा बाण की होती है। क्रिया या परिनिष्पत्ति यद व्यापारा अनंतरम कर्ण तुम भवेत्ति है ना, वो कर्ण होता है क्रिया की सिद्धि में। और क्रिया से परमात्म तत्व तो नहीं मिलता है, क्रिया से जो पहले न हो वो निर्माण किया जाए उससे चीज मिलती है, कर्ण उसमें काम आता है। तो नया काम किया जाए ये तो स्वतः सिद्ध तत्व तो है, उधर केवल दृष्टि करनी चाहिए। तो कर्ण की शुद्धि क्यों कहते हैं, कर्ण की शुद्धि बिना रुचि नहीं होती। अंतकर्ण शुद्धि के बिना मेरा कल्याण हो जाए ये रुचि नहीं होती। ये रुचि अंतकरण शुद्ध होने से होती है, इस वास्ते अंतकरण शुद्धि की आवश्यकता है। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती, कर्ता भी उसमें नहीं है, कर्ण कैसे चलेगा। तो उसके द्वारा नहीं होती, कर्तृत्व तो अभिमान नहीं होना चाहिए। जोर दिया भगवान ने, नहीं वो किंचित करूं मैं थी युग तो मैंने तत्व तत्व किंचित मात्र भी नहीं करता हूँ। अरे नान्य गुणे भ्या करता रम, जब दृष्टा गुणों के सिवाय कर्ता को नहीं देखता है तब गुणों से परे जानता है। जब कर्तृत्व नहीं है तो उसमें कर्म और कर्ण संबंध कैसे होंगे, कर्तृत्व नहीं है। तो ये समझ में क्यों नहीं आती है कि वास्तव में अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा नहीं है, आग्रह है, संप्रदाय का आग्रह है, ग्रंथों का आग्रह है, ये आग्रह है। परंतु कल्याण हो जाए ये जोरदार इच्छा नहीं है, नहीं तो भाई हमारे तो खट भी एकदम। कर्ण निरपेक्ष इतनी बात कहते ही प्रकाश हुआ, भाई देखो ये तो बहुत विलक्ष बात है, कारण निरपेक्ष तत्व है। तो कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कैसे होगा। मुख्य है कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र विभूषित अर्थ है कर्ता, सब तरह से स्वतंत्र उम करता है। तो क्रिया में सर्वथा स्वतंत्र कर्ता है, वो कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है, तो कर्ण कैसे होगा। वहां खूब विचार करो, आप भी सोचो, सब पढ़े लिखे विशेषकर सोचो। तो वो क्या है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो के लिए श्रेय की बात बताई है, और भक्ति की बात भगवान ने अपनी कृपा से बताई है गीता। वो क्यों बताई कि ये कल्याण से आता है, इसलिए अर्जुन को ये बात कही, माँ एकम शरणम ब्रज, समाप्ति भी इसी में ही करी।
तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, ये सबसे बढ़िया चीज है। कर्ण सपरेक्षा अपेक्ष हो चाहे कर्ण निरपेक्ष हो, ये तो कर्ता के लिए बताया कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष। पर कर्तृत्व तो अभिमान नहीं है, वहां पर क्या है, शरणागति है। हे नाथ मैं आपका हूं, केवल भगवान की शरणागति स्वीकार करना है। उसमें भगवान कहते स्वरूप मोक्ष मन संपूर्ण पापों से मुक्त करो, तुम चिंता मत करो, शरण हो जाए। अब भगवान के वचन ही उसमें खास कारण, इस वास्ते अंत में अर्जुन ने क्या निर्णय किया, करिष्ये वचनम तव, आप जो आज्ञा दोगे सो ही करूंगा। इसके बाद श्री भगवान उवाच नहीं है, भगवान नहीं बोले, ये तो बात है खास। शरणागत वो ये जो आज्ञा पालन करे, आज्ञा से मनुष्य साहिब सेवा रुख के मुताबिक करे, मन की जाने सो देवता, मनरी बात जान करे वो देवता है, और इशारे से जान ले वो मनुष्य है, कहने से जान ले वो भी मनुष्य है, और कहने पर भी न माने तो मेरे को बड़ा नहीं है, वो शरणागत नहीं हो सकता। अपने बुद्धिमानी से करो तो कर्मयोग ज्ञान योग में चलो, उसके लिए भी कल्याण की बात है, पर शरणागत की तो सब जिम्मेवारी ही भगवान पर आ जाती है, हमारे पर जिम्मेवारी रहती ही नहीं। जैसे आप कन्यादान करते हो तो उस कन्या को ये चिंता नहीं होती कि रोटी कहाँ खाऊंगी, माँ से ये भी नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे साथ में, रोटी कहाँ खाऊंगी, ये मन में नहीं आती। तो उसके मन में ना रोटी की आती है, ना कपड़े की आती है, ना मकान की आती है, ना जल की आती है, निर्वाह करने को चीज आती ही नहीं। अरे जो हाथ पकड़ ले जाते वो करेगा, हमें क्या चिंता। एक मनुष्य के भरोसे होने पर भी उसके खुद के चिंता नहीं रहती, तो भगवान के भरोसे होने उनकी चिंता हो गई, घर की उनके कल्याण की चिंता हो गई, कभी नहीं होगी। और भगवान के अधीन रहता है, हरदम मस्त रहता है, शरणागत जीवन मुक्त से कमजोर नहीं होता है। हम तो शरण भगवान के हैं, अब भगवान की जैसे मर्जी, जैसे जही बजे राखे राम ताही बजे रही है, अपने क्या मतलब, हमें ना मतलब रहने से, ना जीने से, ना मरने से, हमें कोई मतलब नहीं है, वो शरणागत होता है। तो शरण होने पर अपनी चिंता कभी होती नहीं, और चिंता होती है उतने अंश में वो शरण नहीं है, बातें गिरफ्तार है। चिंता क्यों होती है, हम जिसके हुए जो जाको शरण ली और ताकत ताकि लाज, उसकी लाज किसके, जिसका शरण ले लिया उसको लग जाए, अब उसको उद्धार करना उसके ऊपर है और किसी पर नहीं। इस बार शरणागत निश्चिंत हो जाता है, भगवान नहीं कहते मां सोच तुम चिंता मत कर। दो बार कहा भगवान ने, एक आश देवी संपत्ति में कहा, मां सोच संपदम देवी भेजा, तो तू संपत्ति देवी को प्राप्त हो गया चिंता मत कर। तो साधक के अच्छे से अच्छा गुण आने पर भी अभिमान नहीं रहने से उसको अपनी कमी ही कमी मालूम देती है, और उद्धार के लिए मैं कैसे कल्याण करूंगा, भगवान के साथ दोनों चिंता क्यों मत कर। जब भगवान के शरण हो गया तो वो अधिकारी हो गया, देवी संपदा आ गई, दैवी संपत्ति हो, दैवी क्या हो गए, देव नाम किसका, परमात्मा का है, यहाँ देवताओं का नाम नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति करने के जो साधन है उनका नाम, उस संपत्ति का नाम है दैवी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति को प्राप्त हो गया तो भगवान के शरण होने से उसमें दैवी गुण आप से आप प्रकट होते हैं, उनको लाने नहीं पड़ते हैं, मेहनत करने नहीं पड़ती है, उसके शरण हो गया उसके गुण आप से आप आ जाएंगे। तो शरणागति एक बहुत विलक्षण बात है, शरणागति में विलक्षणता है, पर इसमें दो बात है, एक तो अपने में साधन करने का अभिमान न हो, और अपने उद्धार का कोई उपाय न दिखता हो, अपने कोई उपाय दिखता ही नहीं, और मैं अपना कल्याण कभी अभिमान है ही नहीं,
वो शरणागत होता है सुगमता से, जैसे नींद आती हो उसको सो करके नींद लेनी नहीं पड़ती, नींद को बुलाना नहीं पड़ता, नींद के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती, आ ही जाती है। ऐसे सच्चे हृदय से जो अपना उद्धार चाहता है और अपने बल का अभिमान नहीं है, साधन का अभिमान नहीं है, उसकी शरणागत नींद से भी सुगम है। घर में अपने अभिमान है कि मैं साधन कर सकता हूँ, वो शरणागत नहीं हो सकता। वो करो, साधन करो, साधन करने से कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं, पर शरणागत की बात मिलेगी। शरणागत तो सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है, सर्वथा, उसको कोई चिंता नहीं है। गीता के 18वें अध्याय में 56 से 66 तक 11 श्लोकों में सर्व कर्माण्य पे सदा कुरुण, मेरे शरण हो जाए पे सब काम करता हुआ भी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। किससे के मत प्रसादात, सर्वगुरुगणी तरीके से किससे के मत प्रसादात, विघ्न भी दूर भगवान की कृपा से होगा, परमात्मा से भी प्राप्ति भी भगवान की कृपा से होगी। कृपा को वही ग्रहण करता है जो सन्मुख हो जाता है, सन्मुख वही हो जो संसार के सन्मुख ना रहे, संसार का भरोसा ना रहे, ना बल का भरोसा, ना बुद्धि का भरोसा होता, योग्यता का भरोसा, ना विद्या का भरोसा, किसी का भरोसा नहीं, केवल भगवान का भरोसा अनन्य भाव से। तो भगवान के भरोसे रहो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज अभी अभी अभी, आज भी देरी का काम नहीं है। क्या हो राम को नाम भगवान का हो गया, अब राम नाम जाओ, बस अब निश्चिंत राम नाम करो। जैसे घर भूले हुए आदमी भटकते भटकते सांझ पड़े घर पर आ गए, तो घर पर आते ही शांति हो जाए, अब आ गए थे, अभी तक रोटी रोटी भी नहीं बनी है, भोजन भी नहीं किया है, सामग्री भी नहीं है, घर पर आ गए, अब सब कुछ सामग्री है, बनो खाओ। ऐसे जब शरण हो जाता है तो घर पर आ गया, अब जो कुछ करना है भगवान का होकर, हो राम को नाम, जब भगवान का होकर भगवान को पुकारो, अपनी क्या अपनी जिम्मेवारी कुछ नहीं, हम भगवान, ऐसे होकर भगवान के चरणों की शरण हो जाए, ये बात है बढ़िया एकदम। और सुगम से सुगम है, परंतु जिसके अभिमान है, बल का अभिमान है कि मैं साधन कर सकता हूँ, बुद्धि का अभिमान है, शास्त्र का अभिमान है, वो शरणागत तो नहीं हो सकता। खास बाधा है अभिमान की, नहीं तो शरण क्यों हो गए, हम अपना कल्याण करेंगे तो करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। उसके लिए गीता ने बहुत बातें बताई है, विशेष बातें बताई है, कोई वजह नहीं है, पर शरणागत के लिए कोई बात नहीं, वो तो भगवान का हुए, होए राम को नाम जप तुलसी तज को सुमान, उसमें होए राम के में जो कुछ है ताकत है भगवान का हूं मैं। अब भगवान को चिंता हो जाएगी उसकी, वो खुद की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लंका पर विजय हो गई, विभीषण ने कहा कि महाराज घर पर चलो, स्नान करो, आराम करो, विश्राम करो। भगवान कहते हैं भरत के प्राण नहीं बचेंगे, वो 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर अगर मैं नहीं पहुंचू तो जीतन पाऊ वीर जीतन नहीं मिलेगा, वो चिंता रही है भरतलाल जी की, एक ही है भगवान की चिंता, एक। इस वास्ते भगवान की चिंता भी भरत की ही है। ऐसे आप अगर भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ तो आपके लिए भगवान व्याकुल हो जाए, और आपके उद्योग से नहीं मिलते उनके उद्योग से बाकी नहीं रहता, भगवान से पुरुषार्थ कर बाकी क्या रहेगा। और वो किस लिए करते हैं, जैसे माँ के कई बालक है, छोटे बालक पर माँ की चादर दृष्टि होती है, क्योंकि अरक्ष देव सारा कुछ कर नहीं सकता, तो कर नहीं सकता तो माँ को करना पड़ता है, सभी सभी माँ को करना। और सफा छोटा हो केवल दूध ही पीता है, रोग हो जाए तो दवाई भी माँ को खानी पड़ती है, आश्चर्य की बात है, रोग हो गया बालक दवाई खाए माँ, क्योंकि माँ का ही दूध पीता है वो, अब उसको दवाई कैसे दी जाए,
कुछ जरूरत नहीं, माँ को दवाई लेनी चाहिए जिससे बालक ठीक हो जाए। ऐसे हमारे कल्याण के लिए भगवान को उद्योग करना पड़ेगा, साधन भगवान को करना पड़ेगा, पर सिवाय भगवान के और कोई सहारा न हो तब। और अपना उद्योग करते हैं, अपना अभिमान रखते हैं, उसके लिए ठिकाना नहीं है भगवान का। ये बात माम एकम शरणम भजन, तो बाधक है, तो इसमें अभिमान है, अपना अहंकार मैं कर लूंगा, ये है, अपने करने का भरोसा है, अपने साधन का भरोसा है। पर शरणागत के भरोसा तो केवल भगवान का है और किसी का भरोसा नहीं, कोई है ही नहीं उसके पास उद्योग भी। माम एकम शरणम भजन, अनन्य भाव से भगवान के शरण, भगवान की कृपा से उद्धार हो, अहं पास सर्व पापी भी मोक्ष, सब पापों को मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके तो एक ही है, और सहारा न होगा, और आश्रो छोड़ आश्रो दिनों को करना है, बस एक आश्रो, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राप घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, आज से एक भगवान का, एक ही आशा है, एक ही बल है, एक ही विश्वास भगवान का है। हो ये राम को नाम जो, नाम जपो, ये तो साधन करने के लिए बात कही, वास्तव में नाम जप उसके द्वारा होगा, करना नहीं पड़ेगा, भगवान की स्मृति होगी बार बार, जैसे बच्चे की माँ कहीं चली जाए तो माँ को याद करना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि देखो तुम माँ को याद करो, अरे माँ भूली नहीं जाती, याद क्या करे, माँ माँ करते सही, उसे जो कुछ पालन पोषण करने वाले एक माँ है, बस हमारे एक भगवान है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई मीरा भाई है, ये जिसका भाव है कोई मीरा भाई, दूसरो न कोई, एक आस, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक, पपिया जैसे पानी पीता है तो बदल की बूंदी पीता है, पड़ा हुआ पानी बहता हुआ गंगा जी का जल भी नहीं पीता हो, उसको एक ही बंदर ऐसे, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, उससे जो मिला सब नहीं मिलेगा न सही, ऐसे अनन्य भाव से प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, फिर उसके चिंता लोक की परलोक की उद्धार की कल्याण की क्या होगा क्या नहीं होती नहीं चिंता, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को, चिंता करो भगवान तुम्हारे मोमन सदा आनंद सही आनंद, चाहे जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वो पालन करेगा, हम चिंता क्यों करें, ये शरण हो जाना भगवान के बहुत बढ़िया। गीता का सार है, अंत में सर्व गुह्यतम भूयस्य परमं वचः, अत्यंत गोपनीय बात भगवान ने ये बताई, सर्व गुह्यतम शरण होने की बात, शरणागत को कल्याण की जिज्ञासा होती है क्या, कल्याण की शरणागत होने में होती है, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं अपने उद्योग से अपने बल से कल्याण नहीं कर सकता, इसकी उत्कट अभिलाषा है, तो नहीं कर सकता तो हम तो भगवान के शरण हो, बस फिर कोई इच्छा नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई योग्यता नहीं, अपने में कुछ जरूरत नहीं है, शरण होने से ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान होने से शरण क्या हो, इतना ज्ञान हो भगवान शरणागत वत्सल है कृपा रखते, इतना ज्ञान तो होना चाहिए, वो ज्ञान क्या है, विश्वास, बिन भगवान विश्वास भक्ति नहीं, भगवान का विश्वास हो ये तो पहले होना चाहिए, ज्ञान की उसको गर्ज नहीं होती, ज्ञान भगवान को गर्ज दो, भगवान ने दसवें अध्याय में कहा तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश, उसके ऊपर कृपा करने के लिए अज्ञान जन नाश करता हूँ, उसके मन में नहीं है, वो तो तुष्यंती से रमंती से,
उसे संतोष है, उसमें रमण करते उसे मस्त रहता है। भगवान वो करना पड़ता है अज्ञान दूर। देवी से माम ज्ञान के द्वारा भाषोता ज्ञान थी ना भीतर में स्थित जो अज्ञान जमतम अहम नाश क्या भगवान नष्ट करते। तो अर्जुन ने तो ज्ञान होने के बाद शरणागति स्वीकार की। किस कौन सा ज्ञान हुआ पहले, क्या ज्ञान हुआ, किस से स्मृति नष्ट प्राप्त हुई, मोह नष्ट किससे हुआ, तो शरणागति पहले हुई ना। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धात् प्रसादात्, तो भगवान की प्रसन्नता किससे प्राप्त हुई, तो बात कर दो तुम्हें आप क्या बात, आपने कई पाठ की अब कर दो। गीता के सुनने बाद जो गीता आपने सुनी है पढ़ ली है विचार की तो अब जाओ। गीता का सुनना नहीं कृपा है, तो प्रसादात कहा है भगवान ने तो पूछा रहे तुमने एकाग्र होकर गीता सुना कर नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, ये नहीं कहा गीता के सुनने से नष्ट हुआ, ये कहीं हो तो बताओ, तो कैसे मोह नष्ट हो गया, तो प्रसाद आपकी कृपा से गीता सुनने से नहीं, गीता की पंडिताई से नष्ट नहीं हुआ, तो प्रसाद आपकी कृपा से, तो कृपा मिलती है सर्व होने से, सन्म को जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि अज्ञान से ही तब ही बात। और बोलो क्या है? होने के बाद साधन करना जरूरी है क्या? साधन किए बिना रह नहीं सकता, जरूरी नहीं है, आफत नहीं है वहाँ, साधन करना एक आफत है, आई जरूरी है, आई आफत भोगनी पड़ेगी क्या है? ये जब तक आफत देखते जब कहाँ शरणागत है, ये भी एक आफत है, ये शरणागत आफत नहीं होती, नाम जब आफत नहीं होता, जप करना साधन करना आफत नहीं होती, उसके किए बिना रह नहीं जाता। अब ब्याह होने पर घर का काम करना पड़ता है या, अरे पड़ता क्या, चिंता लग जाती घर के काम की, सब पड़ता क्या है, कोई आफत नहीं है अपने घर का काम है, पड़ता नहीं है, पड़ता नहीं है, पड़ता तो आफत होती, आफत ये नहीं रहा नहीं जाता। है नहीं, आप कहते हो भगवान का अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, हम क्यों चिंता करें, बहु उगाड़ी फिरे तो सूत्र की फूट की क्या लज्जा, बहु को है सूत्र को है, घर की शर्म किसको है, मालिक हुआ है, शरण होने पर आप पर जिम्मेवारी कोई नहीं रहती। जैसे ब्याह होने पर लड़की को मैं पति की हूँ ये मानने में जोर आता है क्या, केवल भगवान के। और बोलो, भगवान जब भाव में है तो फिर पत्थर की पूजा करने से क्या फायदा, बिल्कुल पत्थर की पूजा नहीं करते, कोई पत्थर की पूजा नहीं करते, माथा फोड़ते हैं पत्थर को, जो सुंदर बनाते हैं वे पूजन करते हैं, मकान सुंदर बनाते हैं पत्थरों को कारीगरी करके बढ़िया बनाते हैं वे पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा कुछ करता ही नहीं, मकान बढ़िया बने, स्त्री बढ़िया हो, हमारे कपड़ा बढ़िया हो, हमारी मूर्ति अच्छी हो, हमारा चित्र बढ़े, ये सब पत्थरों की और कागजों की पूजा है, हर मनुष्य की पूजा है, भगवान की पूजन करते हैं पत्थरों का पूजन करते ही नहीं, कहीं मूर्ति के सामने आते गए पत्थर देवता, तुम अमुक पत्थर से आए हो, अमुक पहाड़ से आ रहे हो, अमुक सजावट नहीं खड़ा है, ऐसा कोई कहता है, पत्थर की पूजा करते ही नहीं। बोलो 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 बढ़िया, कस के शंका करो बढ़िया, भगवान ने नाशवान जगत बनाए क्यों इतना करना, थोड़ा देखा माफ कर दो क्षमा करो, भगवान ने बनाया ही नहीं अंगाता, आपने बनाया है, अगर आपका बनाया हुआ संसार आपको बांधता है, भगवान का बनाया हुआ संसार बांधता ही नहीं,
ये मेरे माता है, पिता है, मेरे सोरा है, मेरी सोरी है, मेरा है, ये बांधता है। संसार नहीं बांधता कभी। संसार बिना अपने दुनिया नाश की तरफ जा रहा है, कौन बांध? भगत ही नहीं है संसार को, तो सिवाय अपने नाश के और संसार को कोई भगत नहीं है। वो कैसे बांधेगा? बांधने की शक्ति नहीं उसमें। ये तो नाश की तरफ जा रहा है निरंतर, नाश की तरफ जाना बांधता है किसी को? आपका बना हुआ आपको बांधता है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 मई 1990 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन में हुआ। राम।